Bollywood crazies honest reactions on KRK review on राधे, यानी कि KRK भाई साहब ने राधे फिल्म को क्या रिएक्शन दिया है उस पर मेरा रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, कल से फैंस डिमांड कर रहे थे, तो मुझे हमेशा मेरे फैंस इम्पोर्टेंट लगते हैं और मैं हमेशा उनको बताता हूँ जो वो चाहते हैं वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो यस, ऑन पब्लिक डिमांड आई एम गोइंग टू रिव्यू KRK's रिव्यू ऑन राधे। उसने जो फर्स्ट हाफ का रिव्यू किया था उसमें साफ दिख रहा था कि वो फिल्म को धज्जिया उड़ाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार ओवर एक्टिंग, रोना धोना, मुझे वो हंसी नहीं आई ना रोना है, मुझे इरिटेटिंग लगा। वो मैंने उसी वीडियो में बोला, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द भी शायद निकलने की कोशिश कर रहे थे, मैंने लेकिन रुका दिया क्योंकि मैं कुछ भी हो ईद जैसा मौका है मैं नहीं चाहता हूं कुछ बोलूं, वैसे भी नहीं बोलता आपको पता ही है। तो इस बंदे का रिव्यू मैंने देखा और इस बंदे ने रिव्यू में ज्यादातर सलमान खान के बारे में ही बात किया है। सलमान खान ये VFX वाले सलमान खान, सलमान खान ऐसे ही है, कहां उस समय 1999 उस दौरान जो प्यार उनकी जो फिल्म आई थी प्यार किया तो डरना क्या, उसका जो बॉडी का चीज है वही सेम बॉडी का जो पोजेस है, मतलब वो सिक्स पैक्स है वो इसमें लगाया है सलमान खान ने, और मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसा जितना हो सकता है ना एक इंसान को गिराना, मतलब जितना गिरा सकता है ना एक इंसान किसी इंसान को, उतना इस बंदे ने मुझे ऐसा लग रहा है गिराने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कतई सही नहीं है। देखो, आप फिल्म की बुराई करो और आप फिल्म की जानबूझकर बुराई करो, ये दोनों में फर्क है। क्या है ना, मैंने भी रिव्यू दिया, मैंने भी रेटिंग दी, मैंने उन खामियों को भी इस तरह से गिनाया ताकि आपको समझे कि वो खामियां क्या है और अच्छाइयों को भी गिनाया कि वो अच्छाइयां क्या है। क्या इस बंदे ने अपने पूरे रिव्यू में एक अच्छाई गिनाई इस फिल्म से जुड़ी, एक अच्छाई गिनाई? नहीं, इस बंदे ने अच्छाई नहीं गिनाई। हाँ, मुझे शॉक हुआ, आश्चर्य हुआ कि इस बंदे ने सलमान खान के गानों की शायद बुराई की थी, लेकिन इस रिव्यू में ये बंदा पलटा, इस बंदे ने बोला कि सलमान खान की फिल्म राधे के गाना, राधे का गाना अच्छा है। तो शुक्र है आपने कुछ चीजें सच्चाई से बोली। दादू पोती की कहानी, यहाँ पे बार बार दिशा और सलमान खान की कहानी को दादू पोती की कहानी बताने की कोशिश की जा रही है, और मैं देखो ये मानता हूं कि सलमान और दिशा का जो केमिस्ट्री है ना वो थोड़ा बहुत ठीक लगा मुझे। लेट मी अगेन टेल यू, वो जो भारत फिल्म में दिशा और सलमान थे ना उससे काफी ज्यादा बेहतर यहाँ पे दिशा ने अपना हार्डवर्क या अपनी चीजें करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको पता ही है सलमान खान की फिल्म में किसी हीरोइन का कितना रोल होता है, वैसी इसका इनका भी था। कटरीना कैफ की बात अलग है, टाइगर जिंदा है मैं कटरीना कैफ कहर डा रही थी, मतलब मैं तो बोला बाप थी, और कोई बोले या ना बोले मैं आपको सीधा बोलता हूं सलमान खान की वजह से तो फिल्म चली थी टाइगर जिंदा है, बट मैं कहूंगा कटरीना कैफ की वजह से भी चली थी। तो यहाँ पे दिशा बार बार बोलती भोलू क्यूट जो वो बात बोल रहे हैं, आई मीन KRK भाई सब, जो बिल्कुल थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है। कैसा है ना, आज मैंने किसी लड़की को देखा, एग्जाम्पल मुझे कल से प्यार हो गया, उसी सेकंड प्यार हो गया, पॉसिबल नहीं है। तो वो फिल्म में शायद दिखाने की कोशिश की कि एक दूसरे, एक इंसान दूसरे इंसान को इतना जल्दी कैसे हाँ बोल सकता है। नॉर्मली फिल्मों में हम क्या देखते हैं, या देखते हैं बॉलीवुड फिल्मों में, एक दूसरे को देखते हैं फिर फॉलो करते हैं, फिर बहुत दिन के बाद लड़का बहुत कोशिश करता है इंप्रेस करने की, तब जाके इंप्रेस होती लड़की है। हाँ मैं मानता हूँ सलमान खान लुक वॉइस हर तरह से ऐसे कि कोई भी लड़की एक बार में आई लव यू बोल दे भाईजान को, बट स्टिल वो फिल्म में वो दिखाते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, थोड़ा छेड़खानी, थोड़ा मजा, थोड़ा मतलब वैसा छेड़खानी नहीं, मतलब थोड़ा सा रोमांस वाली है ना। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है कि मैंने जो कल कहा था वीक स्टोरी थी और उस बारे में बार बार उन्होंने गिनाया है KRK भाई साहब ने। तो यस, उन्होंने कुछ चीजों की जो बुराई की है वो बिल्कुल लाजमी है, और लेकिन आखिर में उन्होंने जो रिव्यू में एक स्टार की रेटिंग दी जो मुझे लग रहा है कि ये नाकाबिले तारीफ है, ये बहुत ज्यादा गलत किया उन्होंने। ये फिल्म के आप अगर जनरल भी रिव्यूज देखो क्रिटिक्स के,
एक ऑनेस्ट क्रिटिक, एक ऑनेस्ट से ऑनेस्ट क्रिटिक जो रिव्यू करेगा ना इस फिल्म की, मैं आपको बता दूं, वो 2 स्टार से नीचे नहीं जाएगा। शायद यही तरुण चाचा ने भी किया, 2 स्टार की रेटिंग दी, वो 1 स्टार भी दे सकते थे, उनके जेब से थोड़ी कुछ जा रहा है, उनके जेब में थोड़ी कुछ आ रहा है। उन्होंने कितना दिया? 2 स्टार। और एक और जेन्युइन क्रिटिक को जिसको मैं फॉलो करता हूं, जिसको मानता हूं, उसने भी 2.5 स्टार दिया। टू द सरप्राइज ही गिवन 2.5 स्टार, एंड दिस फिल्म डिजर्व्ड मिनिमम, ये फिल्म मिनिमम 2.5 स्टार डिजर्व करती है 5 में से। दिस इज एवरेज है, क्योंकि मुझे जिसने भी सीप्लेक्स का भी रेटिंग भेजा था ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतना दिया, उसने इसने इतना दिया, दैनिक जागरण ने इतना दिया, इसने इतना दिया, पिंक पिलर ने इतना दिया, तो सब में मैंने ये नोटिस किया कि 3 स्टार की रेटिंग एवरेज थी। और सबको मतलब जैसे कि 20 रिव्यूज उन्होंने दिए तो 10-12 लोगों ने सिर्फ 3 स्टार दिया है, और उसके ऊपर दिया तो उसके ऊपर तो मैं खुद भी नहीं सोच रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा हो सकता उन्हें अच्छी लगी, बट स्टिल 3 स्टार ज्यादा लोगों ने दिया है। यानी कि मेरा जो रिव्यू था, मेरी जो रेटिंग थी, वो मुझे मेरे हिसाब से सही लगी। हाँ, क्या के भाई साहब की अपनी पर्सनल यारी दोस्ती है सलमान भाई से, वो आपको पता ही है, और शायद उन्होंने इस फिल्म को 1 स्टार दिया, और इस भाई साहब ने पहले भी कई सारी फिल्मों को 1 स्टार दिया था, और वो फिल्में बहुत अच्छी चली भी थी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा हर कोई जो बोलता है वो सही होता। तो लेट मी अगेन क्लियर यू, क्या के भाई साहब के लिए मेरे को सिर्फ यही कहना है, सर आप फिल्म को क्रिटिसाइज करने का जो तरीका है वो आपका अच्छा है, बट मेक श्योर आप क्रिटिसाइज भी करें तो कुछ अच्छी बातें भी बताएं अगर उस फिल्म में है तो। मैं मान ही सकता हूं एक इंसान में 100 बुराइयां होगी तो एक अच्छाई तो जरूर होगी, 2 अच्छाई तो जरूर होगी। तो ऐसी ही फिल्में भी होती है भाई साहब, तो आप थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान दोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरी जो राय थी मैंने केआरके के बारे में दे दी। आई डोंट एग्री विथ हिज रिव्यू ऑफ 1 स्टार, ही एटलीस्ट हैज टू गिव 2 स्टार और 2.5 स्टार, क्योंकि एक्शन सीन्स इस फिल्म में बाप है, और एक्शन सीन्स की इस बंदे ने तारीफ तक नहीं की। I didn't like that.